अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चिकन स्टू, जो कि 10 से 15 मिनट में झटपट तैयार हो जाएगा। लें चलते हैं रेसिपी की तरफ। बनाने के लिए हमें जो अज्जा दरकार है उसमें है 1/2 kg चिकन, 2 बड़े प्याज हमने मोटे मोटे इस तरह से काट लिए हैं रफली, 1 कप दही, 8 से 10 जो है वो साबुत लाल मिर्चें लेनी है, 2 से 3 लाल बड़े टमाटर हमने ले लिए हैं, उनको भी ऐसे ही बड़ा बड़ा काट लिया है। और मसालों में हमें चाहिए 1 टीस्पून या हसबे जायका नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये दोनों चीज़ें मैंने भून के और इनको मोटा मोटा कूट लिया है। और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, जिसमें 2 सिनेमन स्टिक हैं, बड़ी इलायची है, काली मिर्चें हैं, लौंग हैं और 2 तेज़पात के पत्ते हैं। और 8 से 10 अदद मैंने लिए हैं गार्लिक क्लोव, इस तरह से ले लिए हैं। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन स्टू ये झटपट बनने वाला है, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा और इसे मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमने 1/2 kg जो चिकन लिया है इसको इसमें डाल देते हैं कुकर में। फिर ये हमने 2 से 3 बड़े प्याज लिए, इन्हें डाल दिया। फिर ये हमने टमाटर लिए हैं रफली चॉप करे हुए, ये इसमें डाल देंगे। मसालों में व्यूअर्स हम डालेंगे इसके अंदर ये साबुत गरम मसाला, ये जो हमने नमक लिया था हसबे जायका ये डालेंगे, हल्दी डालेंगे और ये लहसुन के जवे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाकी मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। कम से कम 1/2 kg जो है हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे कि हमारी ये चिकन जो है बस इसके अंदर डूब जाए, क्योंकि व्यूअर्स टमाटर भी पानी छोड़ते हैं और प्याज भी पानी छोड़ती है। तो इसलिए हम इसको 5 मिनट के लिए बस 1 सीटी बजने तक कुकर में चढ़ाएंगे। व्यूअर्स प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से बंद कर देंगे हम सील करके और इसका वेट इसके ऊपर रख के और चूल्हे को ऑन कर देंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए 1 सीटी आने तक जो है इसको पकाना है हमें। व्यूअर्स हमारे जो कुकर हमने 5 मिनट के लिए रखा था चूल्हे पर, 1 सीटी बज गई, हमने इसका जो एयर है वो रिमूव कर दिया है फिर। तो इसकी एयर हम पहले निकालेंगे एहतियात से, तो ये देखें हमारा जो चिकन स्टू है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो हम इसमें बाकी जो ड्राई मसाले हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले वाइट पेपर जो हमने ली थी वो इसमें ऐड करेंगे। फिर ये वाइट ज़ीरा जो हमने भुना कुटा लिया था वो ऐड किया। फिर इसमें भुना कुटा धनिया ऐड किया और साथ ही हमने जो 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें ली थी वो ऐड कर देंगे। और आपको पता है व्यूअर्स के हमारी चिकन तो जो है वो बिल्कुल टाइम नहीं लेती है, फौरन गल चुकी है। तो हमें बस अब क्या करना है कि सिर्फ जो है पानी ड्राई करना है इसका। ये देखें ये इतना पानी है इसके अंदर, तो हमें इसको बस तेज़ आंच करके ड्राई कर लेना है। तो देखें ये हमारा जो चिकन स्टू है ये इस तरह से हो गया है, पानी हमारा थोड़ा ड्राई हो गया है। तो इस पॉइंट पे हम इसके अंदर 1 प्याली ऑयल लेंगे, वो ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ हम इसमें 1 प्याली जो हमने दही लिया था वो भी ऐड कर देंगे। दही ऐड करते हुए बिल्कुल जो है चूल्हे को स्लो कर रखा करें फ्लेम पे, ताकि हमारा दही जो है वो फटे नहीं। तो बिल्कुल हल्की आंच पे रख के चूल्हे को और दही डाला करें और फिर उसके बाद अब इसको तेज़ आंच करके हम दही का पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। तो देखें ये इस तरह से हमने जब पानी ड्राई किया दही का, तो आफ्टर 5 मिनट्स हमारा जो ये स्टू है वो इस तरह का हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी पे है कितना गाढ़ा रखना है, कितना शोरबा इसमें रखना है। वैसे स्टू जो है वो इसी तरह का होता है गाढ़ा। तो आए चलें करते हैं डिश आउट। तो व्यूअर्स अब देखें तैयार है हमारी मज़ेदार सा चिकन स्टू, झटपट बनने वाला, 10 से 15 मिनट में हमने इसको आसानी से बना लिया है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी आइंदा आने वाली रेसिपी को ट्राई करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।